उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में डिस्ट्रिक्ट भट्टा एसोसिएशन मुरादाबाद की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आयोजित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नगर विधायक रितेश गुप्ता रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता एसोसिएशन के अध्यक्ष नितिन गुप्ता ने की। आयोजित कार्यक्रम में मंडल भर के भट्टा स्वामी शामिल हुए और सभी ने एकजुट होकर अपनी परेशानियां नगर विधायक के सामने रखी। इस दौरान कार्यक्रम में मौजूद सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने बिजनेस में आ रही परेशानियों को सरकार तक पहुंचाने के लिए नगर विधायक से अपील की। मंच पर बोलते हुए नगर विधायक रितेश गुप्ता ने कहा कि 6 साल में पहली बार आप सभी से मिलने का मुझे मौका मिला है, आपने याद किया और मैं आपके सामने हूँ। नगर विधायक रितेश गुप्ता ने सभी भट्टा स्वामियों से कहा कि सरकार के द्वारा जो भी गाइडलाइन है उन सभी को फॉलो करें और यदि इसके बाद भी समस्याएं आपके सामने आती हैं तो आप सभी अपनी समस्याएं लिखित में मुझे दीजिए और मैं विभागीय प्रमुख सचिव से मुलाकात करके आपकी समस्याओं का समाधान करने का काम करूंगा। उन्होंने कहा कि सरकार की आमदनी में सभी भट्टे स्वामियों का बड़ा योगदान रहता है और आपकी समस्याओं का समाधान कराना मेरी प्राथमिकता होगी। तो वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे नितिन गुप्ता ने कहा कि नगर विधायक रितेश गुप्ता कार्यक्रम में उपस्थित रहे और सभी व्यापारियों ने अपनी समस्याएं नगर विधायक के सामने रखी और नगर विधायक रितेश गुप्ता जी ने हम सभी को आश्वासन दिया कि हमारी समस्याओं को सरकार तक पहुँचाने में वे हमारी मदद करेंगे। पहली बार मेरा आप लोगों के एसोसिएशन के बीच में आना हुआ है। नितिन गुप्ता जी ने आज मेरे को इनवाइट किया है तो उनके म्यूटेशन पे और संजीव चौधरी जी के म्यूटेशन पे मैं आप लोगों के बीच में आज आया हूँ। आप लोगों की समस्याओं के बारे में मैंने सुना। सबसे पहले तो मेरा कहना ये है कि जो भी सरकार की गाइडलाइन है उसको हमें फॉलो करना चाहिए। जैसे कि मेरे को अभी अरुण सिंगल साहब ने बताया कि 2021 में भट्टों को ई ड्राफ्ट भट्टा बनाने के लिए कहा गया था, 3 साल का समय दिया गया था जिसमें मात्र 1 साल का समय बचा है, जिसमें काफ़ी लोगों ने अपने भट्टे ई ड्राफ्ट करा लिए हैं। जिन लोगों ने नहीं कराया तो वो इसमें तुरंत उनको मेरे को लगता है कि कार्रवाई करना चाहिए। जैसा कि आपने कहा कि समय सीमा की बात है तो समय सीमा इसकी बाई जाए इसके लिए मैं प्रयास करूँगा। और अभी संजीव भाई ने बताया कि जिन भट्टों की रॉयल्टी जमा हो जाए, रॉयल्टी जमा होने के बाद वो अपना काम शुरू करें तो उसमें कोई सरकारी बाधा नहीं आए। तो मैं आप लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि आप लोग जो सरकार के विषय हैं उनको फॉलो कीजिए। उनको फॉलो करने में कोई परेशानी आती है या कोई सरकारी कर्मचारी अधिकारी आपको परेशान करता है तो आप मेरे को उससे अवगत करा दें और मैं प्रयास करूंगा कि कोई भी परेशानी आपको सरकार की तरफ से या उनके अधिकारी कर्मचारी की तरफ से नहीं आए उसका पूरा प्रयास करूंगा। जो भी आप लोगों की समस्याएं हैं एक उसका ड्राफ्ट बना के मेरे को आप दे दें और उसमें सब जिसकी समस्याएं आप लोगों के साथ आ रही हैं सामने आ रही हैं वो लिखित में मेरे को नितिन गुप्ता जी मेरे को उपलब्ध करा दें, संजीव चौधरी जी मेरे को उपलब्ध करा दें। मैं हमारा विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है 7 तारीख को, तो मेरे को लखनऊ जाना है, लखनऊ में रहूँगा। तो आप लोगों की समस्याएँ जो भी संबंधित विभाग जैसे बताया कि पॉल्यूशन से संबंधित आपका रहता है और खनन से संबंधित आपका काम रहता है तो उसके विभाग के जो भी प्रमुख सचिव हैं उनसे मैं मिल लूँगा और आप लोगों की बात मैं वहाँ तक पहुँचाने का पूरा प्रयास करूँगा। आप लोगों के ऊपर कोई समस्या ना आए। देखिए जो लोग आप ही लोगों के टैक्स जो आप लोग टैक्स देते हैं रॉयल्टी देते हैं उससे ही सरकार चलती है, सरकार की अपनी आमदनी को जरिया नहीं है। जो टैक्स जनता देती है उसी से विकास कार्य होते हैं, वो पैसा आप ही लोगों के लिए लगता है। तो आप लोगों को भी समस्या ना हो, सरकार के काम भी चलते रहें, दोनों में सामंजस्य बना रहे इसका प्रयास मेरे द्वारा किया जाएगा। तो मेरा यही आप लोगों से अपील है कि सरकार की गाइडलाइन को फॉलो कीजिए, शीघ्र अति शीघ्र अपने भट्टों को ई ड्राफ्ट भट्टा बनाइए और उसमें कोई समस्या यदि आप लोगों के सामने आती है तो उस समस्या का समाधान कराने का मैं पूरा प्रयास करूँगा। आज नितिन गुप्ता जी ने और श्री संजीव चौधरी जी ने आप लोगों के बीच में मेरे को बुलाया है और मेरा सौभाग्य है कि आज मुरादाबाद ही नहीं अपितु पूरे कमिश्नरी से हमारे भट्टा एसोसिएशन के पदाधिकारी यहाँ पे मौजूद हैं और एक साथ एक मंच पे उन सब लोगों से मेरे को मिलने का सौभाग्य प्राप्त